दोस्तों, स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग डिसीजन स्टडिंग अब्रॉड से लेकर एफएम एग्जाम को क्लियर करने की जो जर्नी होती है काफी हेक्टिक होती है, काफी टाइम टेकिंग होती है और बहुत सारा पैसा लग जाता है। मुझे अपने घर जाना है। लेकिन ये सब कुछ वर्थवाइल जब लगता है जब हमारा एफएम एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो क्या मिलेगा इससे? मंडी जाओ, आलू बुखारा मिलेगा इससे। पैसा चाहिए, पैसा दे। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका एफएमजी एग्जाम किसी भी कारण से अगर क्लियर नहीं हुआ है तो व्हाट आर दीज फाइव बेस्ट टिप यू नीड टू यूज सो दैट यू कैन सिंपली पास योर एग्जाम 2024 के जून के एग्जाम को आपको कैसे पास करना है, ये आपको बेस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगा। हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट डॉक्टर ओम शर्मा, वेलकम टू द ट्रेवल मेडिको। और मैं जो है, मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी एग्जाम कैसे निकाला, क्योंकि मेरे को बहुत सारे जूनियर्स ने जो है कांटेक्ट किया और बहुत सारे जो मेरे फेलोज थे उनका एक क्वेश्चन जेन्युइन जो होता है वो यही था कि एफएमजी एग्जाम की उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए सो दैट दे कैन सिंपली पास दिस एग्जाम। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये जो पाँच टिप्स आपको देखनी है इनको आपको बेस्ट वे में यूज करना है। और इसका जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कि मेक ए स्टडी शेड्यूल। देखिए, जब आप स्टडी शेड्यूल बनाते हैं, आपने आज तक स्टडी शेड्यूल बनाया नहीं, इससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद में आगे आपका स्टडी शेड्यूल जो है वो कंफर्म होना चाहिए। तो जब आप स्टडी शेड्यूल आपने बना लिया तो स्टडी शेड्यूल से आपके माइंड को क्लियर रहता है कि हाँ मेरे को किस तरीके से पढ़ना है। तो स्टडी शेड्यूल हर महीने का, मैं तो क्या करता था कि महीने के स्टार्ट होने से पहले अपना स्टडी शेड्यूल बना लेता था और पूरे महीने उसको यूज करता था। तो जैसे कि मान लीजिए अभी आपका एग्जाम जून में है, 30 जून को, तो आपके पास पूरे पूरे चार महीने हैं, मार्च अप्रैल मई जून। वैसे मार्च तो निकल गई, 15 मार्च हो गई, 15 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, अब तो 20 मार्च हो गई। तो आगे जो टाइम बच रहा है इसमें क्या करना है आपको कि इस महीने के लास्ट तक आपको आपका जो इंटायर सिलेबस है, फुल सिलेबस, उसका एक अच्छे से रिवाइज करना है। और जब आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा तो उसके मार्च के बाद में जो अप्रैल आएगा, अप्रैल हाफ अप्रैल तक आप फिर से आपका इंटायर सिलेबस जो लेंथी सिलेबस है उसको आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद में जो है आगे बाकी जो अप्रैल के जो 15 दिन बचे उसमें आप जो है शिफ्ट हो जाइए आपको जो शॉर्ट नोट्स है उस पर। जब आप शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे तो एक बार शॉर्ट नोट्स का रिवाइज कर लीजिए। अप्रैल के बाद में जो है मई जो आएगी, मई में आपको कम से कम भी नहीं तो दो बार या तीन बार आपको जो रैपिड रिविजन के जो नोट्स हैं उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और आपको याद हो रहा हो नहीं हो रहा हो वो तो बाद की बात है, फुल 100% कंसंट्रेट होकर आपको ये पढ़ना है। उसके बाद में अप्रैल के बाद में मई में आपको रिवाइज करना है, मई के बाद में जून का जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी क्रूशियल है। तो जो मई जून का जो 20 तारीख है वहाँ तक आपको कम से कम दो या तीन रिवाइज करने हैं। और उसके बाद में लास्ट के जो 10 दिन है उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जो आप भूल रहे हैं, जो भी आपको गड़बड़ी हो रही है, आपको उसको जाके बार बार देखना है। तो उससे आपको ये रहेगा कि आपकी जो है रिसेंट मेमोरी में सारी चीज़ें रहेंगी और आपके तब तक 6 से 7 रिवाइज हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी टेंशन लेनी है और आपको रिवाइज कंप्लीट नहीं करना है, रिवाइज आपको करना है। उसके साथ साथ सेकंड जो आता है वो प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को जो है मॉक टेस्ट देना कभी पसंद नहीं रहा, तो क्योंकि उसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है। वैसे मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ और आई नेवर थिंक और नेवर ओवर थिंक, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि अगर आप में नेगेटिविटी आती है तो आप जो है आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आप मॉक टेस्ट मान के और 300-300 के जो क्वेश्चन का जो सेट रहता है या एक पेपर जो रहता है उस पेपर को सप्ताह में एक बार कर लीजिए। तो एक महीने में आप 4 प्रीवियस ईयर के जो है पेपर कर लेंगे तो 4 मॉक टेस्ट के बराबर हो गया। तो उससे आप आपका टाइम कैसे जा रहा है वो भी देख सकते हैं, आपके जो PYQ हैं वो भी हो जाएंगे। और आपको थर्ड नंबर पर क्या है कि फोकस ऑन हाई हील टॉपिक्स। तो फोकस जब आप हाई हिल टॉपिक्स पे करेंगे तो उसमें ये रहेगा कि कम से कम आपके 150 से 200 नंबर के बीच में आसानी से नंबर आपको आ जाएंगे एफएमजी एग्जाम में। तो सारे जो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हाई हिल टॉपिक हैं, उनको रिवाइज करना है। उनको रिवाइज जब आप करेंगे तो उनको आजकल क्या है कि डीप में काफ़ी डेप्थ में पूछने लगे इन टॉपिक्स को, तो आप उन टॉपिक्स को काफ़ी डेप्थ में पढ़े। और यह है कि अगर किसी भी टॉपिक में आपके क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार जैसे आपने देखा जनवरी में, तो जनवरी में मेरा फर्स्ट अटैम्प था, फर्स्ट अटैम्प में मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया था। तो लेकिन मैं क्या था कि अपने जहाँ से मैं स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी, वहाँ से मेरी काफ़ी अच्छी पढ़ाई की तैयारी चल रही थी। और उसके बाद में यहाँ के मैंने बहुत सारे रिवाइज किए, बहुत सारे रिवाइज करने के बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको लास्ट में तो मैंने मार्क कर लिया। जो जैसे जैसे आप PYQ करेंगे उसके आप हिसाब से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को मार्क कर लीजिए और फिर उन्हीं को आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो नेगेटिविटी की आपके माइंड में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप ये कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी एग्जाम पास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली जो आती है सीक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट।
और इसके लिए तुम्हारा भाई तैयार है कि अगर आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आती है या आप ओवर थिंक करते हैं, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, या आप मेरे साथ जेन्युइनली डिस्कस कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर दिया होगा, इंस्टाग्राम पर आप मेरे को जाके मैसेज कर सकते हैं और आई विल लव टू रिप्लाई यू। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती रहती है, तो मैं उनको वहाँ पर सजेस्ट करता रहता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। और आप में जो मेरा वीडियो है इसके जो कमेंट सेक्शन है, इसमें जाके आप मेरे को बता सकते हैं। साथ में आप लोगों को मैं ये भी बता दूंगा कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। वैसे आप PYQ में आप जाएंगे तो PYQ जो टॉपिक हैं सबको आपको उनको ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा भाई हर टॉपिक हर सब्जेक्ट इसमें, जैसे कि जो भी बल्कि जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट जैसे सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, PSM हो गया, OBGY हो गई, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इनसे आपके काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। जैसे आपकी बार जो है PSM में 45 से 50 नंबर के क्वेश्चन थे, तो आपकी बार जो अब जून में एग्जाम होगा इसमें मान लीजिए आप PSM में से कम आएगा, बाकी जो तीन सब्जेक्ट बड़े सब्जेक्ट हैं इनमें से काफ़ी अच्छे सवाल आएंगे। तो आपको इन तीन जो बाकी तीन सब्जेक्ट हैं इनको अच्छे से पढ़े। मेडिसिन जो है वो काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है, तो मेडिसिन को तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेडिसिन पढ़ना पसंद है तो मेडिसिन पे आप ज़्यादा फोकस करें, वरना बाकी सब्जेक्ट के साथ ही मेडिसिन हो जाएगी। और आप सर्जरी अच्छे से पढ़ें क्योंकि सर्जरी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, OBGY को अच्छे से पढ़ें। तो जब आप फोकस होकर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आने लगेगा, आपका टाइम इतना जल्दी जल्दी निकल जाएगा। ये मान लीजिए 3-4 महीने का टाइम आपका जो एग्जाम आ रहा है उसको आप जैसे सोचने में वेस्ट कर देंगे तो ये वर्थवाइल नहीं रहेगा। उसके बाद में जो है गाइडेंस के लिए तुम्हारा भाई तैयार है। उसके बाद में स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट ही मेन चीज़ है। जब हम कॉन्फिडेंस रखेंगे खुद में, क्योंकि मैं जो था मेरे को हमेशा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरे को ध्यान है कि एक जब हमारी यूनिवर्सिटी में क्लासेज हो रही थी तो एक टीचर आए थे हमें अराइज के पढ़ाने के लिए, उन्होंने बोला था कि अर्ली यू बिगिन अर्ली यू फिनिश। तो जितनी जल्दी आप अगर यूनिवर्सिटी में तो वहाँ से आप अपना 10-12 सब्जेक्ट करके आ सकते हैं और वहाँ से आप जल्दी पढ़ के आएंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है आपका बताएगा कि आपने कितना पहले मेहनत किया। उसके बाद में अगर आप करंटली अगर FMG एग्जाम दे रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो उसका आपको ये जो पूरा वीडियो है इसी के बारे में, तो पहले स्टार्ट किया नहीं किया, लेकिन अब जो है टाइम काफ़ी क्रूशियल, इसको आप यूज़ कीजिए और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब हो सकता है कि आप जो है PYQ दे रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं और आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो नंबर नहीं आ रहे, तो हम लोगों को पहले ही पता है कि मॉक टेस्ट डिज़ाइन इसी तरीके से करते हैं कि नए टॉपिक उसमें आएंगे जो परीक्षा में आए या ना आए, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको जो है जो प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक है उन पर ज़्यादा फोकस करना है और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अब की बार डू और डाई वाली सिचुएशन है मेरी ज़िंदगी में, ये मेरे स्थायित्व का वो है, क्या कहते हैं, एक मुद्दा है और एक पॉइंट है कि मेरा जो है स्थायित्व जब होगा जब मेरा ये FMG एग्जाम क्लियर होगा। आप लोगों को ये मान के चलना है कि मेरा तो दुनिया में वजूद ही जब है जब भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो जब आपको ये लगेगा कि आपके ब्रेन को भी एक कहने का मतलब एक डिमांड रहेगी या फिर एक कमांड रहेगी कि आप लोगों को ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, और फिर बाकी एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी है उस टाइम में जो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वहाँ पे कैसे सवाल करने हैं, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है जो मैंने किया, लेकिन वो तो बाद में हम देखेंगे। लेकिन अभी जो है इन 4-5 चीज़ों को जो मैंने आपको बताया इसको आप क्या करेंगे पूरे महीने का एक चार्ट जैसे बना लेंगे आप पढ़ने का। तो जैसे आपको मैंने बता दिया कि हर महीने के स्टार्टिंग से आप एक शेड्यूल बना लीजिए, उसको पूरे महीने फॉलो कीजिए, एक दिन भी आपको जो शेड्यूल है वो चूकना नहीं चाहिए। अब आप उसमें रेस्ट के लिए भी आप टाइम रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए संडे में आपको 8 से 10 घंटे पढ़ लीजिए। मेरा जो था एवरेज था लास्ट के महीने में तो 14-15 घंटे था, उससे पहले जो था मेरा 13 घंटे तो था ही था तैयारी करने में, तो 13-14 घंटे आप पढ़िए। और अगर आप 12 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं 12 घंटे पढ़िए, फिर हर महीने आधा आधा घंटा उसको इंक्रीज कर दीजिए और धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको ये 10-12 दिन है इसमें आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई आप कर क्या रहते जो अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप अपना फर्स्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट FMG आपका होने जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम मान सकते हैं कि हाँ आप लोगों का जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन आपने पहले अगर एग्जाम दिया है तो आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है भाई। तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और जो टॉपिक पिछले थे उनको अच्छे से फोकस कीजिए, और साथ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये एग्जाम पास कर सकता हूँ। मेरे में तो सदा से कॉन्फिडेंस था, मेरे को पता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरे लास्ट ईयर में 16 सब्जेक्ट बाकी थे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जाता नहीं था, पढ़ा रहता था, घूमता फिरता ये सब करता, लेकिन मेरे को बंधन में बंधना जो मंजूर नहीं था। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया मैं कि आज से मेरे को जो है ये सारे सिलेबस सारे सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं और आगे मेरा जो है फ्यूचर जो मेरा गोल था हम लोगों ने डिसाइड किया मिलके। और तुम्हारा भाई हर मज़े किया, हर जगह गया, खूब घूमा फिरा, हर काम किया जो एक इंसान कर सकता है, लेकिन फाइनल में रिजल्ट जो मैटर करता है वही है।
तो इस सीरीज में मैं काफ़ी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ट्वेल्थ में हैं और विदेश में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे आपको यूनिवर्सिटी जो है सिलेक्ट करनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी आप मेरे थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को आज जेन्युइनली लगा कि हाँ मैं बता सकता हूँ लोगों को, मैं जिनकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की करूँगा। आप लोगों को कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए, किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, और वहाँ पे जो एजेंट जो है आपको कैसे पागल बनाते हैं ये भी बताऊँगा। और उसी के साथ साथ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, आपका रोज़गार का क्या रहेगा, आपका रहना खाना पीना सब कुछ आपका भाई इस सीरीज में बताएगा धीरे धीरे करके। तो ये फर्स्ट वीडियो था, और मिलते हैं आपसे कुछ दिन बाद में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए ट्रेल मेडिको। हरे कृष्णा हरी बोल।